क्या आपको पता है एनबीए के लोगों पे जो आदमी आपको दिखता है वो कौन है? और क्या आपने कभी ऐसा कुत्ता देखा है जिसकी जीभ काली या नीली कलर की हो? फैक्ट नंबर 12, वेंडी। ये नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, किसी ना किसी मूवी, कार्टून या फिर वेब सीरीज में। लेकिन क्या आपको पता है ये नाम आया कहाँ से है? ये नाम आया है एक फेमस पीटर पैन के नोवेल से जो 1911 में आई थी, जिसमें एक कैरेक्टर का नाम था वेंडी डार्लिंग। उसी समय यह नाम पहली बार सुना गया था। और मज़ेदार बात यह है कि 1911 से पहले यह नाम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फैक्ट नंबर 11, पेपर तो हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आप एक कागज़ के टुकड़े को सिर्फ 7 बार ही फोल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यकीन नहीं होता तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको मालूम है पूरी अंग्रेजी भाषा में सिर्फ एक ही ऐसा शब्द है जो कि लेटर M और T से एंड होता है, और वो शब्द है ड्रेम्ड। फैक्ट नंबर 9, नॉर्मली जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन 2.5 kg से लेके 4.5 kg तक होता है, लेकिन क्या आपको पता है अब तक का सबसे भारी बच्चा जो पैदा हुआ है वो करीब 10.5 kg का था, लेकिन अफसोस वो ज़िंदा नहीं बच पाया। उसके बाद जो सबसे भारी बच्चा आज तक पैदा हुआ है वो करीब 10 kg का था। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है बैंक ऑफ अमेरिका जब एस्टैब्लिश हुआ था तो उसका नाम बैंक ऑफ इटली था, लेकिन फिर 1930 में अमाडियो जियानिनी, जो कि फाउंडर भी है बैंक ऑफ अमेरिका के, उन्होंने बैंक का नाम चेंज करके बैंक ऑफ इटली से बदलकर बैंक ऑफ अमेरिका कर दिया। फैक्ट नंबर 7, एकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम सब ज़्यादातर ऑस्कर के नाम से जानते हैं, ये अवार्ड्स अलग अलग फील्ड के आर्टिस्ट को दिया जाता है हर साल। लेकिन क्या आपको मालूम है 1932 में ऑस्कर एक फिक्शनल कैरेक्टर को दिया गया था जिसे हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं, और वो था मिक्की माउस। मिक्की माउस फर्स्ट ऐसा नॉन ह्यूमन है जिसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। अब मैं एक वीडियो प्ले करूंगा जो वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था 1932 में ऑस्कर्स के लिए। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है हर साल पूरे दुनिया भर में जहरीले सांपों की तुलना में
मधुमक्खी के काटने से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। फैक्ट नंबर 5, सिर्फ 3 ही ऐसे नॉन प्रेसिडेंट हैं जो कि आपको यूएस के पेपर मनी पे दिखाई देंगे, और वो है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जिन्हें आप 10 अमेरिकन डॉलर पर देख सकते हैं। फिर दूसरे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्हें आप 100 अमेरिकन डॉलर पर देख पाएंगे। और अंत में है सालमन चेज, जिन्हें आप 10,000 अमेरिकन डॉलर के नोट पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10,000 अमेरिकन डॉलर के नोट्स अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि FRS यानी फेडरल रिजर्व सिस्टम, जो कि एक सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उनके द्वारा इसे जुलाई 14, 1969 से प्रिंट करना बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जा रहा था अमेरिकन सिटीजन्स के द्वारा। और एक ख़ास बात अमेरिकन डॉलर के बारे में ये है कि अमेरिका में नोट्स को बिल कहा जाता है, जैसे कि $10 बिल या फिर $50 बिल। फैक्ट नंबर 4, डिज्नीलैंड के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको एक अजीब सी चीज़ पता है डिज्नीलैंड के बारे में? 1960 तक जिन भी मर्दों के लंबे बाल हुआ करते थे उन्हें डिज्नीलैंड के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। वाव, ऐसी भी अजीब अजीब चीज़ें हुआ करती थी दुनिया में, सुनकर बड़ा अजीब लगता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है अगर बटरफ्लाइज का बॉडी टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 36 डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा तो वो उड़ नहीं सकते, क्योंकि बटरफ्लाई एक कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर होते हैं और उन्हें गर्म जगहें ज़्यादा पसंद आती हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी किसी कुत्ते का जीभ काले या फिर नीले रंग का देखा है? अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हमने देखा क्या, कभी सुना भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, चाओ चाओ और शार्पाई दो ऐसे चाइनीज डॉग ब्रीड है जिनके जीभ का रंग ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है, और बाकी दुनिया में जितने भी डॉग ब्रीड है उनके जीभ का रंग पिंक कलर का होता है, ठीक हमारी ही तरह। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत लोगों को बास्केटबॉल खेलना पसंद होगा या फिर आपको बास्केटबॉल के मैचेस देखने में मज़ा आता होगा, लेकिन क्या आपको पता है NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ऑफिशियल लोगो पे जो बंदा आपको बॉल ड्रिबल करता हुआ दिखता है वो कौन है? तो मैं आपको बता दूँ, वो है फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर जेरी वेस्ट, जो कि लॉस एंजेलिस लेकर्स की तरफ से खेला करते थे NBA में। हालांकि अभी ऑफिशियल्स की बात चल रही है NBA के लोगों में से जेरी वेस्ट को रिप्लेस करके लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्राइंट को रखने के लिए, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 26 जनवरी 2020 में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के वीडियोस मिस ना करें। ये रैंडम फैक्ट्स का पहला पार्ट था, और इसके बाद बहुत सी ऐसे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की वीडियोस चैनल पे आने वाली है।